गाइस देखते हैं आज हमारे पास नाश्ते में क्या है। तो आज हमारे पास नाश्ते में है केक। डबल रोटी खा के थक गई मैं और पापड़ी वगैरह। आज ऊपर लाए हैं केक और केक रस्क। केक खाएंगे भाई। एक पीस ले लिया हमने केक का। एक तो जब भी मैं व्लॉग बनाती शायद फौरन चीजें लगा के बैठ जाते, इसको और कोई काम ही नहीं है। और ये लेंगे केक रस्क। क्या है? हेलो, ऐसे करते हैं? हेलो ऐसे नहीं, वैसे करो बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जैसे वो करते हैं। गाइस वेलकम बैक। हमारे घर के काम हो गए हैं शुरू स्टार्ट। और बज रहा है तीन। तो अभी काम स्टार्ट हो गए। जो जो काम चलेंगे, जो जो होगा वो आपको दिखाएंगे। और आज मम्मा कह रही हैं कि आज जो है ना मैं सही से जो है तैयार होकर आऊँगी ब्लॉग में। हमेशा मुझे ऐसी मासी बने हुए लेती हो तुम। और मैंने कहा भाई मेरी गलती तो नहीं है ना, अब आप तैयार होकर नहीं आते तो मैं मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना उसमें। तो मम्मा आप क्या कर रही हैं ये तो बता दें। क्या रोज करती हैं मुझे तो नहीं पता क्या करती हैं आप। मैं तो पूछता हूँ मम्मा का क्या खाना बनाने का इरादा है। मम्मा क्या बनाने का इरादा है आज आपका? क्या बनाना चाहती हैं आज आप? मैं ऐसे नहीं आऊंगी आज। तो खाना तो बता दे क्या है। हाँ ये पूछ रही हूँ खाने का क्या इरादा है आपका। मैं बनाती हूँ नहारी। बीफ की चिकन की? मैंने भी यारे कपड़े निकाले पहनने के लिए। ब्लॉग में ऐसे आओ तो अच्छा ब्लॉग नहीं बनता। तो तैयार वगैरह होकर आओ। साफ सुथरे कपड़े पहन के ऐसे तैयार होना बोलते हैं हम। ये नहीं कहते डाली और मेकअप शेकअप नहीं, इससे मतलब कपड़े चेंज करके साफ सुथरे कपड़े पहन के और बाल वाल बना कर इससे कह रही हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और ये मैंने कभी कपड़े अपने निकाल लिए सर्दियों के। मैंने कहा यार सर्दियों में पहन लेती हूँ, जो कपड़े अंदर रखे हुए गर्मियों आ जाती है ना तो वो पहने ही नहीं जा रहे होते हैं। फिर पहन घर यहाँ पे इतना फैला हुआ हो रहा है कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं। और अभी मैंने इसको सबको साफ करना है। यहाँ पर भी सारा फैला हुआ है, यहाँ पर भी सारा फैला हुआ है, यहाँ भी। मेरे भाइयों को ना भाई सिर्फ फैलाना आता है, सिर्फ और सिर्फ फैलाना। ये देखें यहाँ पे बैग रख देता है, सब रख देता है, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखा रही थी कि मैंने ना वो बनाई थी हेयर्स की, बहुत ही प्यारी लग रही है। पर अभी इसमें क्लिप अटैच नहीं कर पाई तो मैंने इसी से अभी इसको टिकाया हुआ है हल्का सा और बालों में लगाए तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। बस मैंने आपको ये दिखाना था कि मैंने अपने हाथों से बनाया है। आई नो बाजार में बहुत सारे मिलते हैं पर अपने हाथ से बनाने की बात ही कुछ और होती है। और जब अच्छा बन जाए ना प्यारा तो दिल खुश हो जाता है। गाइज यहाँ पे हमारी नहारी भी तैयार हो रही है और नहारी का फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मम्मा भून रही है, आज कुछ बना रही है, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है इसके अंदर। तो मम्मा कितनी देर में बन जाएगी आपकी नहारी? ये होगी 15 मिनट में रेडी होगी। 15 मिनट में हमारी नहारी एकदम रेडी होगी। फिर मैं इसका फाइनल आपको लुक दिखाऊंगी, खाना भी खाऊंगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो मैं सोच रही थी हम मोबाइल कवर लगाने के लिए, मोबाइल कवर जो है ना लगाने के लिए मोबाइल दर दर रखना पड़ता है और रख कर फिर बंदा भूल जाता है। तो ना यहाँ पे मैं रख करने का बोल रही थी, यहाँ पर एक की लगी हुई है तो मैं यहाँ पर लगाती, पर यहाँ पर जो है वाईफाई का तार जा रहा है और ये तार हटाते हैं तो वाईफाई नीचे लुढ़क जाता है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर अब मैं इसको लगाऊंगी ताकि हमारा जो है ना फ़ोन अच्छे से हम यहाँ पर रख सकें, ठीक है ना। और अच्छा भी लगेगा लगा हुआ और फ़ोन भी हमें जगह पर मिलेगा। माय गॉड आनी कैसे भी हलवा आ चुका है और नानी कैसे भी हलवा आ चुका है। बस अब हमारा हलवा रह गया बनना, फिर हम बांटेंगे हलवा। और ये कि आज राइट जो है वो 1:30 बजे से गई है और अब तक नहीं आई है। हलवा हम खाएंगे बाद में, अगर हम खाते हैं थोड़ा सा खाना तो पहले खाना खा लेते हैं फिर हलवा वगैरह तो खाते ही रहेंगे। चलो भाई ये हो गया है हमारी नहारी एकदम रेडी। मम्मा मैं नान ले लूं? मम्मा शायद उसने वो गिरा दिया डस्टबिन। डस्टबिन गिरा दिया हमारा, बिल्ली ने भाग गई गिरा के। ये हम बंद रखते हैं, बिल्ली आना शुरू हो जाती है फौरन। तो भाई आज हम खाएंगे ब्राउन। हमारा भगदड़ मच गई है रान के लिए। ओह माय गॉड रान के लिए गुल गई, गुले गई रान लेने का। इसका मतलब है कोई फायदा नहीं है, फिर भी हम रान लेंगे। क्या लूं क्या ना लूं। चलो भाई हमने ले लिया अपना खाना।
इसमें मिर्च मसाला ऐड करेंगे। मिर्च मसाले के बिना तो खाने का कोई मज़ा ही नहीं है ना हरी। चलो भाई अब खा के बताते हैं, इसको एक बाइट लेंगे पहले थोड़ी सी। भाई अब टेस्ट करते हैं और फिर बताएंगे कि कैसा बना है अनी का हलवा। मजाक कर रही हूँ, अच्छा बनाया, पर आनी के साथ होने वाला है प्रैंक। क्या हम आनी को बोलेंगे? आनी तो पूछेंगी जरूर, अभी आने वाली है, पूछेंगी जरूर कि हलवा कैसे बनाया। तो हम बोलेंगे इतना बुरा बनाया अन्य, आपको हलवा बनाना नहीं आता? वो क्या बाकी में देंगे, हाँ फिर बाद में उन्हें बता देंगे कि कैसा बनाए। सही गाइस, आप लोग तैयार रहिए प्रैंक के लिए। अभी रिव्यू लेते हैं कि आनी ने हलवा कैसा बनाया, मम्मा खा के बताएं कि आनी ने हलवा कैसे बनाया। मेरी मम्मा तो मास्टर शेफ है ना, फिर कैसा बनाया? अच्छा बनाया, पर आनी के साथ प्रैंक करना है, मैं बता रही हूँ आपको, आप बोलिएगा नहीं बिल्कुल। हमने जिंदगी में कभी नहीं खाया इतना बुरा हलवा, आपने जितना बुरा हलवा आज बना के भेजा है सारा मुंह का टेस्ट ही खराब कर दिया। हाँ अच्छी बनाती है खाने वैसे आनी। चलो भाई हमारे सिंगर आ गए, कौन सा वाला अम्मा मेरा, सारे सिंगर है। ओए होए क्या बात है, मजे से आज हम खाएंगे जिंगर और हम शाविस को पूछेंगे भी नहीं। तुम मैं भी खाऊंगा, मैंने नहीं मंगवाया। नो आपने मंगवाया, मंगवाया रहने दो, नहीं मंगवाया अपने लिए और बस बस। है हम तो खाते हैं अपना बर्गर चला चला के शाविस को। पहली बार दबा खा लियो क्या? तो बुरा लग गया। जली ना तेरी भी जली ना। अभी जा रहे हैं अपना सिंगर लेने के लिए, बर्दाश्त नहीं हुआ ना कि हम अकेला अकेले खाएं। तो गाइस बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ गई है और हम अपने घर में बैठे हुए दपक के, और मैंने कोट वगैरह सब पहना हुआ है। तो बस जो लोग बाहर हैं उनको पता चल रही होगी ठंड। यार मैंने कहा था कि मैं प्रैंक करूंगी आनी के साथ, आनी का आने का था, पर लास्ट मोमेंट में ना आनी का आना कैंसिल हो गया, प्रैंक का भी कैंसिल हो गया। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं प्रैंक जो है ना वो पूरा प्लान करूंगी कि प्रैंक कैसे करना है मैंने आनी के साथ। तो मैं करूंगी, किसी के साथ भी करना होगा तो करेंगे इंशाल्लाह। और बस अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड करेंगे, ढेर सारा मुझे एडिटिंग भी करनी है, ब्लॉग भी टाइम पे देना है। तो बस अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, लॉट्स ऑफ लव गाइज। आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करें, प्यार दे दिया करें अपना, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक लल्ला हाफिज़, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।